ये सब मेहमान आ रहे हैं और हम ये बना रहे हैं गोभी रसम बनाया रसम तड़का। तो गोभी कैसे बनेगा मेहमानों के लिए स्पेशल बन रहा है गोभी। तेल में क्या किया पहले? तेल में कच्चे मिर्च से जीरा डालो, उसके बाद टमाटर डालें, उसके बाद टमाटर डालें। तो मुझे बच्चों को कैसे लग रही है? धनिया पाउडर धनिया थोड़ा सा ही था ना? मैं बहुत ही धनिया भी और वो क्या है हल्दी गुंडा हल्दी भी है ना, वो भी पीस दे, खराब हो जाएगा तो कीड़ा हो जाएगा छोटा छोटा। हाँ नहीं अभी पीसेगा पीस के दोनों कूट दे हम पीस देगा। ऐसे डाल दिया कैसी अब ऐसे ऐसे इसको छोड़ दो जरा पकने दो, तब जाके हिले है ना, जरा पकने दो उसके बाद में देखा। नमक दिया? हाँ, नहीं ना नमक नहीं दिया। सॉल्ट ये सब दिखाया? हाँ तो दिखा देती। देखिए गोभी फ्राई कर बॉईल करके फ्राई कर दिया है और तड़का हमारा बन गया है। रसम है उसे जरा पका रहे, मसाला को जरा पकाएंगे हम। मसाला को जरा पका रहे जल्दी एलर्जी है तो कपड़ा दे। ये गरम मसाला गोभी डाल दिया, गोभी डाल दिया। इसके लिए बहुत हिम्मत डाल दिया, मैं आलू डाल दूंगी। अब मिला दो मसाला, अच्छा पाउडर पानी मसाला मिला पानी दिख रहा है देखी। बस तो आज मेहमानों के लिए ये सब है बना रहे मेहमान के लिए, देख लीजिए। गोभी तो सबका फेवरेट होता है इसलिए हम गोभी बना रहे हैं, तड़का बना रहे हैं। अब कितना देर पकेगा? 5-10 मिनट पकेगा सब उसके अंदर ये हो जाएगा तो हम दिखा। गोभी में दूर दिखा रही थी प्लेट ऑन हो गया है और ये कैसे लग रहा है। तो ये आज सब ने खाया है जो मेहमान सब आए थे और तड़का बनाया है हम लोग, चटनी नारियल का चटनी राइस और ये है रसम। बस इतना ही है हमारा आज, इतना ही आज का हो गया लंच। सो थैंक यू, बाय 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 सभी को, डू लाइक, थैंक यू।